खुश आमदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं TNA न्यूज़। दरगाह यूसुफ़ नामपल्ली के दुकानदार परेशान, मदद की अपील। दरगाह यूसुफ़ नामपल्ली में दुकानें जलकर 12 दिन गुजर गए, मगर दुकानदारों को अभी तक कोई राहत नहीं मिली। दुकानदारों ने कहा कि वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम सिर्फ टाइम दे रहे हैं, मगर कोई अमल नहीं है। दुकानदारों ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP हैदराबाद और अकबर उद्दीन ओवैसी से मदद की अपील की है। इन दुकानदारों का कहना है कि दुकान जलकर भी 15 दिन का अरसा हो रहा है और अभी तक इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, जबकि इनका गुजारा इन दुकानात पर ही मुनहसर है। इनके बच्चे और ये लोग खाने के मोहताज हो चुके हैं। इन्होंने दरगाह में दुकानात बनवा के देने की अपील की है असदुद्दीन ओवैसी और अकबर ओवैसी से। इन दुकानदारों की आह बका देखकर इनके मसाइल को जल्द से जल्द हल करते हुए इन मजलूम दुकानदारों को राहत पहुँचाना चाहिए। आइए सुनते हैं इन मुतासरा दुकानदारों की जुबानी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये दुकान है, छोटे छोटे बच्चे हैं, 16 दिन हो गया दुकान जल के, अभी तक कुछ भी नहीं बोले। बाहर ले बोले, पर बाहर कारोबार नहीं होते। जो हमारी दरगाह में है वही छमकू जगह दे दिए तो मेहरबानी होती। अकबर साहब और असद साहब और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, आज से 15 दिन से खाली बाहर देते बोल रहे, खाने को खाना नहीं है, कुछ भी नहीं है। और आज आज बच्चे हमारे तड़प रहे, कुछ नहीं। बच्चों के साथ हमको भी दुकान जैसा जला है ना, हमको भी वैसे जला डालो। ऐसा रोज रोज से मरने से तो बेहतर है, एक बार मर जाते हैं, बात खत्म। ये खाना खाना हम लोग, ये खाना खा के रहना हम। असद साहब अवैसी साहब लोग के दौर में ये खाना डालते, असद साहब अकबर साहब को, और उन्होंने हमारी मदद करना। आप लोग बहुत तकलीफ में है, हम लोग 15 दिन से यहाँ ले हो वहाँ ले हो यहाँ ले हो, हमारी कुछ भी नहीं हो रहा और हमारी मदद नहीं कर रहे हो लोग, हमारी हेल्प करो। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, हमको मालूम है हम कैसा जी रहे कैसा नहीं, और हमारे पास कोई जायदाद नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ नहीं है। करना है तो खाना है यहाँ पर, खाली किराए के घर है। जल गया हमारे दुकान, ये दुकान जले नहीं, ये दुकानों को जलाए चलाए सो है ये दुकानों को। बस हमारी मदद करो, असद साहब अकबर साहब को बोले हमारी मदद करो। निकली थी अपना क्या के सुकून से खाना खाते, मगर यहाँ तो रोज से का मरना हो गया। रोज से मरने से बेहतर है एक बार हमको जहर दे के तो भी मार दो, ने तो हमको भी ऐसी दुकान जैसा जले, हमको भी वैसी जला दो। हम नहीं रह सकते, अब हमारे से बर्दाश्त की इंतहा खत्म हो गई। सबर भी एक इंतहा रही थी, मगर अब वो भी खत्म हो गई हमारे साथ। क्या बोल रहे हैं आप बोर्ड में, क्या बोल रहे हैं? वक्फ बोर्ड से कुछ भी नहीं बोलना है। वक्फ बोर्ड क्या कर रहे हो ना, आज आ रहा हूँ कल आ रहा हूँ कल आ रहा हूँ, आज आ रहा हूँ, इसमें 13 दिन निकल गए पूरे। पर हमारे दुकान दरगाह में है, दरगाह में दे दीजिए, बाहर तो नहीं जमता। बाहर एक अच्छा माहौल नहीं है, बाहर घयाई हमको। दरगाह में हमारे दुकान है, दरगाह में दे दीजिए हमको, इतनी मेहरबानी होती। बस हमारे छोटे छोटे बच्चे, उनकी सुरता देख के तो भी हमको जगह दे दीजिए। ये आग लगी नहीं, आग लगाए सो हमको निकालने के वास्ते। पर हम